नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, राज्यसभा सांसद और SC ST आयोग के पूर्व में अध्यक्ष रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पुनिया जी। PL पुनिया जी, गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। क्या आपने सर, किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। न्याय सब वर्ग को मिलेगा, ये हमारा नारा है। गरीबों को सबसे पहले, जो 5 करोड़ परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 प्रति माह से कम है, उनके अकाउंट में सीधे 72,000 रुपया प्रतिवर्ष जाएगा और इससे कोई गरीब नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। किसानों का कर्ज माफ़ी के साथ साथ कर्ज मुक्ति, उनका समर्थन मूल्य इतना होगा कि किसान मालामाल होगा और वो कोई भी बैंकों की किस्तों में डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाएगा। नौजवानों के लिए 34 लाख पद जो कि आज रिक्त हैं, वो साल भर के अंदर भरे जाएंगे, 100% गारंटीड, ये एश्योरेंस दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 33% नौकरियों में और 33% लोकसभा और विधानसभाओं में। और ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पार्लियामेंट का पहला सत्र होगा उसमें बिल लाया जाएगा और पास किया जाएगा। बहुत स्पष्ट नीति है, हर वर्ग का ख्याल रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है और आज हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में सभी वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है। आप न्याय योजना के बारे में बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या है, इसके बारे में अभी तक कुछ सामने नहीं है। किस रूप में इसको लॉन्च करेंगे? 1 बार में देंगे, 6 बार में देंगे या 12 महीने में 12 बार देंगे? इसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। देखिए, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। इसको बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, पी चिदम्बरम जी, पूर्व वित्त मंत्री के रघुराम राजन जी, जो पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, उन सब लोगों ने मिलकर बनाई है। और 6,000 रुपया महीने के हिसाब से साल में 72,000 रुपया अकाउंट में सीधे सीधे जाएगा, महीने में 6,000 रुपया। तो ये एक नायाब योजना है और वो गरीब आदमी के, महिला के खाते में जाएगा, महिला को सम्मान इसके साथ साथ मिलेगा। तो ये एक इतनी महत्वपूर्ण योजना है। विश्व में तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि गरीबी को हटाने के लिए इससे बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती है, तो सब ने स्वागत किया। एक सवाल और आपसे है, महागठबंधन से जुड़ा हुआ। महागठबंधन के लोग और महागठबंधन के नेता हमेशा कांग्रेस पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अनाप शनाप भाषणों में बोलते रहते हैं, लेकिन आपके पार्टी के द्वारा उनके ऊपर हमेशा लिबरल रुख अपनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या चुनाव के बाद की एक संभावना के रूप में देखा जाए इनको? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला जाता है तो केवल एक शख्स है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और बाकी जो गठबंधन के लोग हैं भले ही ऊपरी तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बहुजन समाज पार्टी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना चुकी है और फिर कब राखी बांध दें, कोई भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा बराबर हैं हमारे लिए, इसका मतलब विकल्प अपने खोल के रखे। और मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में क्या भाषण देते हैं? उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से समझने की बात है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और बाकी अपना विकल्प खोल के रखे हुए हैं। अन्य राज्यों में चुनाव हुआ है, 5 चरण का मतदान हो चुका है, 6वें चरण में कल है, 7वां चरण गोरखपुर में अंतिम आके ठप हो जाएगा। अभी तक की जो स्थिति क्या बनी है, क्या उसके बारे में कुछ अवगत कराएंगे? आप अन्य राज्यों में भी चुनाव कराने गए हैं। मुझे पूरे हिंदुस्तान भर की जानकारी है और 5 चरण में
कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आ रही है, और जो उत्साह है, लोगों का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, और सर्वश्रेष्ठ एजेंडा मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, वो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर पूछा जाए कि आपके मुद्दे क्या हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो बगलें झांकने लगेंगे। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गठबंधन, उसी की स्थिति है। और इसीलिए जनता पूरी तरह से स्पष्ट मत बना चुकी है कि परिवर्तन होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में सामने है, जिसका वजूद जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जहाँ पर उनके कैंडिडेट हैं और जगह जगह से जीत के वहाँ पर पहुँचेंगे। तो बहुत साफ है, परिवर्तन होना है, और कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में देश देख रहा है, और इसका प्रमाण मेरे पास में है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए, भाजपा की सरकारें थी, बाकी सब दल वहाँ पर अपना चुनाव लड़ रहे थे, और पूरी तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, उनकी सरकारें हटाई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। पूरे देश का मूड है, और वही मूड पूरे हिंदुस्तान भर से जम चुन के आएगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।